दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। कि लोग कहते हैं कि हंसना एक औषधि है, तो हंसना अगर एक औषधि है तो निश्चित रूप से वाग्भट ने कहीं ना कहीं किसी न किसी सूत्र में हंसने के बारे में कहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि राजीव भाई इस पर हमें बताएं कि हंसना चाहिए तो कैसे हंसना चाहिए, खाने से पहले या खाने के बाद, जो कुछ भी है वो कृपया इसका बताएं। ये सवाल है तो इस हंसते खिलखिलाते माहौल में मैं ये मंच समर्पित करता हूं श्री राजीव दीक्षित को। अभी प्रदीप भाई ने जो प्रश्न किया वहां से मैं शुरू करूं। बागवत जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं, वेग गति मूवमेंट स्पीड कुछ वेग हैं, और उन वेगों के नाम हैं कुछ, उनके बारे में उनका यह कहना है। एक सूत्र है और उस पर पूरा अध्याय है, एक ही सूत्र पर पूरा अध्याय है। वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आए शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए, कभी भी रोकना नहीं चाहिए। ऐसे कुछ वेग हमारे शरीर में हैं, उनमें से एक है हंसी। अगर आपको सहज रूप से हंसी आ रही है तो बिल्कुल मत रोकिए, खूब जोर से खिलखिलाकर हंसिए अगर हंसी आ रही है। अब आप पूछेंगे ये हंसी आती कैसे है? ये जो हंसी है इसके बारे में बागवत जी ने बहुत विस्तार से व्याख्या की है कि ये शरीर के अंदर कुछ रसों का प्रभाव है। आज की भाषा में हम अगर कहें तो कुछ एंजाइम्स हैं और कुछ हार्मोन्स हैं जिनके चलते ये हंसी आती है, और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स शरीर की अलग अलग ग्रंथियों से उत्पन्न होते हैं। जैसे हमारे शरीर में ये मस्तिष्क में एक पीनियल ग्लैंड है, उसमें से जो रस उत्पन्न होता है, मैं रस ही शब्द इस्तेमाल करूंगा, हार्मोन्स और एंजाइम्स में कंफ्यूजन हो जाता है। तो पीनियल ग्लैंड में जो रस उत्पन्न होता है ये बहुत मदद करता है हंसने में। आप बोलेंगे जी हंसते समय ही ये पैदा होता है, हाँ, लेकिन इसके बारे में बागवती जी ये कहते हैं कि पहले ये रस पैदा होगा बाद में हंसी आएगी। ये रस कहां से पैदा होता है? तो कहते हैं भावना से। आपकी भावना है तो ये रस उत्पन्न होगा, और ये सेकंड्स में होता है, सेकंड्स के फ्रैक्शन में होता है। कोई भावना आपकी ऐसी बनी, रस उत्पन्न हुआ, तुरंत आपने हंस दिया। तो वो कहते हैं हंसी आए तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन आगे का सूत्र है जो बहुत महत्व का है, जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, जबरदस्ती कभी भी नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि उस समय जो आप हंसेंगे वो मैकेनिकल हंसी होगी। मैकेनिकल आप समझते हैं यांत्रिकी, जिसमें रस नहीं होगा, भाव नहीं होगा, आप सिर्फ हंसेंगे। तो कहते हैं बिना भाव और बिना रस की जो हंसी है वो शरीर को कोई लाभ नहीं देगी। अब मैं आता हूं, थोड़ा आपको समझ में आए इस दृष्टि से, आजकल भारत में बहुत जगह लाफिंग क्लब्स चलते हैं, आप भी हो सकता है जाते हो। तो लाफिंग क्लब्स में जो हंसी है वो पूरी तरह से यांत्रिक है, मैकेनिकल है। वो कहते हैं मुंह फाड़ के हंसो, हा 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 हा, इसमें ना रस है ना भाव है। वो कहते हैं हंसते समय रस भी होना चाहिए, भाव भी होना चाहिए। हां ये जरूर है कि उस लाफिंग क्लब में आपको कोई जोक सुनाकर हंसाई हंसी आती है, या उन्होंने कोई एक्टिंग की और उस पर आपको हंसी आती है, वो ठीक है। आपको लाफिंग क्लब में किसी ने जोक सुनाया, मजाक किया, आपको हंसी आई, तो उसमें रस भी होगा भाव भी होगा। लेकिन ये मुंह खोल के हा 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 करेंगे, ना रस होगा ना भाव होगा, तो इससे बचें, क्योंकि इससे तकलीफ आएगी। फिर बिना रस और बिना भाव की जब हंसी आप हंसेंगे तो पेट में दर्द होगा, और पेट में दर्द होगा तो वो कोई तकलीफ की स्थिति भी बना सकता है। जैसे कई बार आपने सुना है हमारी नस पे नस चढ़ गई, बिना भाव और बिना रस की हंसी में पेट की नस पे नस चढ़ सकती है, और वो चढ़ गई तो डॉक्टर उतार नहीं पाता उसको,
फिर कहेगा जी ऑपरेशन करा लो, कॉम्प्लिकेट हो गई है। तो बिना रस और बिना भाव की हंसी कभी भी ना हंसें, लेकिन रस और भाव के साथ हंसी आ रही है तो बिल्कुल ना रोकें, जरूर हंसें। बात आपको स्पष्ट हुई? आपको स्वाभाविक रूप से कोई दृश्य देखकर, कोई बात सुनकर, किसी की क्रिया देखकर हंसी आ रही है तो रोकना मत, खूब हंसना उसको। और बिना भाव, बिना रस, बिना क्रिया के कोई हंसी करने की कोशिश कभी आप करना मत। वो कहते हैं कि सम में रहिए, मध्यमार्गी बनिए। हमेशा हर जगह वो कह रहे हैं मध्यमार्गी रहिए, ना इस एक्सट्रीम पे जाइए ना उस एक्सट्रीम पे जाइए। क्यों? तो वो कहते हैं कि भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्यमार्गियों की ही है। भारत एक ऐसी भूमि है जो मध्यमार्गियों की ही है। आप ना इस एक्सट्रीम पे जा सकते हैं ना उधर, अगर इसको आज की भाषा में कहूं ना ज्यादा लेफ्ट जाइए ना ज्यादा राइट जाइए, सेंटर में रहिए, बीच में रहिए। और कृष्ण भगवान गीता में बार बार यही कह रहे हैं, ना ज्यादा भोगी बनो ना ज्यादा त्यागी बनो, मध्यमार्गी रहो। तो भारत में कृष्ण ने कहा और बागभट्ट ने कहा, या कभी श्री राम कहते हैं लक्ष्मण को, ये सब भारत के तासीर और मौसम के हिसाब से कहा है। आप जो हैं अगर यूरोप में हैं और अमेरिका में हैं तो आइदर लेफ्ट और आइदर राइट जाने के लिए छूट है, भारत में नहीं। तो इसलिए हंसी के मामले में, भोजन के मामले में, क्रियाओं के मामले में, किसी भी मामले में ना तो लेफ्ट जाइए बहुत ना तो राइट जाइए, बीच में रहिए। तो हंसी के बारे में भी उनका यही है कि यांत्रिक हंसी माने एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट कभी भी मत करिए, और हंसी को रोकिए भी मत, वो एक्सट्रीम राइट, बीच में रहिए, आई तो हंस लिए। ये तो हमेशा नियम के रूप में है और यही नियम आगे भी है। वो कहते हैं हंसी को रोकिए मत, ये एक वेग है, कभी भी मत रोकिए। इसी तरह से दूसरा एक वेग है छींक, कभी मत रोकिए इसको, लेकिन जबरदस्ती छींकने की भी कोशिश मत करिए। छींक आए तो रोकिए मत, जबरदस्ती छींकने की कोशिश मत करिए। जबरदस्ती कोशिश अगर करेंगे तो उन्होंने एक सूची दिया है बागभट्ट जी ने कि 13-14 रोग आएंगे आपको अगर जबरदस्ती छींक लेंगे तो। इसलिए छींक आ रही है, सहज रूप से छींकिए, रोकिए मत उसको। ये एक वेग है, इसको रोकेंगे तो 23-24 रोग होंगे, जबरदस्ती छींकने की कोशिश करेंगे तो 13-14 के आसपास रोग होंगे। उन रोगों की पूरी सूची है, आप पढ़ सकते हैं पुस्तक। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।